इसकी तो घर जाकर मरम्मत होगी। आप ऐसा कुछ भी अपनी बाइक के साथ मत करना, वरना पापा की उड़ती हुई चप्पल आएगी। तो गाइस, गाड़ियों के इंजन में भरा होता है लुब्रिकेंट, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं तेल, और यही लुब्रिकेंट हमारे इंजन को सीज होने से बचाता है और इंजन को स्मूथली चलाता है। लेकिन आज हम लोग इंजन का सारा लुब्रिकेंट निकालेंगे और उसमें डालेंगे फेविकोल, और तब देखेंगे कि क्या हमारा इंजन अच्छे से चल पाएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी बाइक अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है, अब पहले इसके लुब्रिकेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद डालेंगे इसके इंजन में फेविकोल। तो चलो यार। जितना भी ऑयल था हमारी बाइक में वो सारा का सारा हमने इस बोतल में कर लिया है, और अब टाइम आता है इसमें फेविकोल डालने। तो गाइस, हमारे फेविकोल का डिब्बा हो चुका है खाली, और हमने इंजन में पूरा 1 लीटर फेविकोल डाल दिया है। अब टाइम आता है इसको चलाकर देखने का, तो चलो फिर चेक करते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस, अब इसको चला के देखते हैं। पहले किक मार लेते हैं यार, फिर देखते हैं कि चलेगी नहीं चलेगी। चल गई भाई, चल गई। दस पंद्रह मिनट गर्दा उड़ाने के बाद तो गाइस यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई बिना तेल के अभी तक कैसे चल रही है। मैंने इसके साथ 2-3 चक्कर लगाए, ज्यादा दूर में इसलिए नहीं गया यार, कभी बंद हो जाती फिर मेरे को पैदल आना पड़ता। तो इसमें से कुछ यहाँ से धुएं से निकल रहे थे, और इंजन से थोड़ी आवाज आ रही थी, और थोड़ी स्मेल सी भी आ रही थी फेविकोल की। तो अभी तक तो भाई परफेक्ट कंडीशन है, एकदम मस्त चल रही है, मक्खन चल रही है, बस थोड़ी आवाज की दिक्कत है। तो अभी हम लोग घर जाते हैं और तब देखते हैं कि भाई क्या है, घर तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। बाद की तो मुझे पता है कि इसका इंजन जो चलने वाला नहीं है, पूरा इंजन सीज हो जाएगा, ये तो पक्का यकीन है। तो चला यार, पहले कर लेते इस चीज़ को भी, घर चलते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई क्या होता है। घर पहुंचने के बाद फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर, और लोकेशन जो थी हमारी 3-4 किलोमीटर दूर थी। अभी हम लोग एकदम सेफ घर पहुंच चुके हैं, और हमारी बाइक भी एकदम टनाटन चल रही है। लेकिन उसमें एक मजे की बात बताता हूँ कि हमारी बाइक का तीसरा गियर खराब था, जो कि फेविकोल डालने के बाद भाई एकदम मस्त चल रहा है अभी। तो ऐसा नहीं है कि यार बाइक में तुम फेविकोल डाल दोगे तो उसमें जो खराबी हो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी बाइक के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तो यार बस वीडियो में इतना ही, बाकी हमारी जो बाइक है एकदम बढ़िया चल रही है, इंजन एकदम बढ़िया, एकदम तनाटन चल रहा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय। जिंदा झूठ बोल रहा है। अगले दिन बाइक की क्लच प्लेट चिपक गई थी।